देखिए, आज जिस लोकतंत्र के लिए हमारे देश के हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे खासकर जब मैं बात करूं पंजाब की, पंजाब के लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, शहीद आजम, शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी, शहीद ऊधम सिंह जी, बहुत सारे लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज वही लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खतरे में है। आज जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं, एक एक सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी तंत्र से कर रही है। जहां सरकारी तंत्र की जितनी भी एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों की ड्यूटी लगाई गई है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली की सरकार को तोड़ा जाए, कैसे आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकार को तोड़ा जाए। ये यत्न लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है। देखिए कितनी बार, ये एग्जाम्पल है, ये मिसाल है, कितनी बार पंजाब बीजेपी के प्रधान जी ने कितनी बार कहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू कर दो, कितनी बार पंजाब के गवर्नर, माननीय गवर्नर साहब ने कहा है कि पंजाब में मैं राष्ट्रपति राज लागू कर दूंगा, मैं लिख के राष्ट्रपति साहब को भेज दूंगा कि पंजाब को राष्ट्रपति के हवाले किया जाए। ये बहुत सारी आपके सामने एग्जाम्पल हैं। आज वही काम दिल्ली में, जहां हमारी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से, एक वैसा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे फर्जी केस में जेल में बंद करके हमारे विधायकों को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। हमारे विधायकों का खरीदो फरोख्त का काम बीजेपी ने शुरू किया है, पर लेकिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी चुने हुए नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटके हम खड़े हैं। बिल्कुल कोई भी आदमी बीजेपी के बहकावे में कभी भी नहीं आएगा। ये बीजेपी ने कहीं ईडी का, कहीं सीबीआई का, कहीं इनकम टैक्स का, कहीं पैसे का, कहीं मैं समझता हूँ इन्होंने अपने डर का, लोगों को डरा के धमका के देश में आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर लेकिन ये भी सबूत है कि जब भी कभी कोई पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो, जब भी कोई पार्टी, किसी भी पार्टी ने देश को, संविधान को तोड़ने का यत्न किया, उसी समय देश के लोग खड़े हो गए हैं। आज देश के लोग आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, आज देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी देश को संविधान को बचाने की, देश की डेमोक्रेसी की बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, पर लेकिन देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, देश के संविधान को बचाएंगे। जो संविधान हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने बड़ी सख्त मेहनत मशक्कत से तैयार किया था, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करके तैयार किया था, आज उसी संविधान की धज्जियाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उड़ा रही हैं। पूरे देश में संविधान को खत्म करने की चाल चल रही हैं। पूरे देश को मैं समझता हूँ एक तानाशाही की तरफ भारतीय जनता पार्टी धकेल रही है। देश कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा, और मैं समझता हूँ देश भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित तौर पर होगी। क्योंकि इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी एजेंसियां हैं उनका मिसयूज कर रही है, उनका दुरुपयोग कर रही है। जब कोई पार्टी हार रही होती है तभी वो पुलिस को आगे करती है, तभी वो एजेंसियों को आगे कर रही है। सो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसी कारण कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स अधिकारियों का पूरे देश में दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके सामने, पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी उदाहरण है कि एक प्रचंड बहुमत से चुनी हुई दिल्ली की सरकार को तोड़ने का यत्न, वहां पर राष्ट्रपति राज लागू करने का यत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वैसे ही कितनी बार पंजाब में, ये अपनी उदाहरण दे चुके हैं, पंजाब में कितनी बार बोल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कितनी बार माननीय गवर्नर साहब बोल चुके हैं कि हम पंजाब में राष्ट्रपति राज लगा देंगे। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से डरती है, अरविंद केजरीवाल से डरती है, इसीलिए ये राष्ट्रपति राज लगाने की बात कर रहे हैं। पर लेकिन देश के लोग एकजुट हैं, चट्टान की तरह आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं।